नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी का यह बयान सियासी गलियारों में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। बांग्लादेश की बदहाली का डर दिखाकर कुछ नेता अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। इसी बीच सीएम योगी एक रहने का संदेश देकर एक तीर से कई शिकार करते हुए नजर आए। अव्वल तो ये कि जाति वाली सियासत पर उन्होंने प्रहार बोला। दूसरा, उन्होंने विपक्ष के उस हथकंडे पर भी वार किया जिसके तहत बांग्लादेश जैसा हाल देश में होने की बातें कही जा रही थी। बांटने वाली सियासत के खिलाफ योगी आदित्यनाथ का यह बयान कईयों को चुभने लगा है। विपक्ष से अपने नजरिए से देख रहा है, अपने चश्मे से देख रहा है। सीएम योगी ने विरोधियों के निशाने पर वो हैं इस वक्त और वैसे ही पूछ रहे हैं कि बांटने का काम कौन करता है। सीएम योगी अपने गिरेबा में झांक कर देखे तो पता चलेगा। और वैसे ही कहते हैं कि बुलडोजर से मुसलमानों को कुचलने वाले को एकता पर बात करने का अधिकार नहीं। विपक्षी नेता उनके बयान पर चुटकी ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पहले बीजेपी को यूनाइट होने की जरूरत है। कांग्रेस मानती है कि योगी सिर्फ एक समुदाय को एकजुट होने के लिए कहते हैं, वो राष्ट्र को एकजुट करने की बात नहीं करते हैं। बयान पर मचा है सियासी घमासान, लेकिन इसके बीच सवाल ये उठता है कि क्या योगी ने वाकई हिंदुओं की एकजुटता की बात कही? क्या इस बयान के जरिए सीएम योगी ने कास्ट सेंसस पर हमला बोला? क्या योगी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सियासत की हवा निकाल दी? योगी का ये एक संदेश किसके लिए नेक सलाह थी? आज इसी को समझने की दहाड़ की चर्चा में करेंगे कोशिश, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ का बयान और उस पर आया पलटवार। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने खुद कहा था ठोक देंगे, तो जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं, तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। उनको नजर आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से, तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। दक्षिण एशिया का एक चरित्र है, और ये मैं बार बार कहता हूं, हम तीनों एक ही देश थे। एक देश में माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए जो निजाम, जो मिजाज हम इस्टेब्लिश करेंगे, वो दूसरे लोगों को मानने पे मजबूर होना पड़ेगा। और हाँ, बुलडोजर का भेजा इस्तेमाल न्याय के पर्यायवाची के रूप में जो व्यक्ति करे, उसे ये सब बोलने का तो कोई हक ही नहीं है। हम लोगों ने तो कहा, हमेशा एक बात कही है कि मोहब्बत होनी चाहिए और सबको यूनाइट होना चाहिए। अब योगी जी का मतलब कहाँ जाता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो सबको यूनाइट करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक वर्ग को शायद यूनाइट करने की बात करते हैं। हमारा कहना ये है, हमारा नया एक मशवरा उनको ये है कि अगर सब एक होंगे तो देश तरक्की करेगा, सब वर्ग उसके साथ मिलकर चलेंगे तो और ज़्यादा तरक्की करेगा। बांटने की जो राजनीति है उसको काफ़ी अप्लाई कर चुके हैं, पिछले 10 साल से यही काम कर रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा 15 साल से कर रहे हैं, 14-15 साल से कर रहे हैं। आइए सबसे पहले दहाड़ में कर लेते हैं सवालों का जिक्र और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज ये चर्चा रहेगी, जिसमें पहला सवाल ये है कि एक और नेक वाले बयान से योगी ने किसको जवाब दे दिया है? क्या सीएम योगी का यह बयान जातीय जनगणना पर प्रहार है? क्या हिंदू एकता की तरफ सीएम योगी अपने बयान के माध्यम से इशारा कर रहे थे?
विकसित भारत की राह में रोड़ा है क्या बांटने वाली सियासत जिसको दूर करना होगा, और बांग्लादेश का भय दिखाकर बांटने की साजिश आखिर असल में है किसकी?